आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स मसाला पास्ता। आपने कभी ये नाम तो सुना नहीं होगा, मिक्स मैक्रोनी सुनी होगी जिसमें लोग अलग अलग मैक्रोनी को मिक्स करके बना देते हैं, या फिर मिक्स सॉस पास्ता सुना होगा, पर आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स मसाला पास्ता। इसके लिए हमने वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। जो शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने वेजिटेबल्स कट होती नहीं दिखाई, पर अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम अपने वीडियो में क्यों ना दिखाएं। हमारी डेढ़ घंटे की मेहनत को एक मिनट में लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, कितनी बुरी बात है। एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी विश है कि न्यू ईयर से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। इसके लिए आप कमेंट करके मेरी मुझे और वीडियोस के आइडियाज़ ज़रूर बताएं, मुझे सजेशंस दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं वेजिटेबल्स कट करनी नहीं आती, इसमें मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, तो जिस तरीके से मुझे समझ आ रही थी मैं कट करती गई, तो कोई बैड कमेंट बिल्कुल नहीं। अगले वीडियोस के आइडियाज़ मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं वीडियोस पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द बनाऊं, पर क्या करें, किसी न किसी वजह से वीडियो लेट हो ही जाती है। कभी घर में सामान नहीं होता, सामान हो भी तो कभी कोई मसला पड़ जाता है, कभी कोई मसला पड़ जाता है, पर फिर भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग जो कमेंट करते हैं उसकी वीडियो बनी जाती है। अब मैंने पिछले दिनों नूडल की एक वीडियो वायरल रेसिपी चल रही थी, मैंने ट्राई की थी, लोगों ने मैगी में की थी। अब हम भैया हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे मैगी नहीं मिलती। अब मैंने किसी और ब्रांड का नूडल यूज़ किया तो आप लोगों ने कमेंट करके बोला कि ये तो मैगी है ही नहीं, मैं क्या करूँ यहाँ पे नहीं मिलती, तो अब मैं मैगी इम्पोर्ट करने में इतना पैसा क्यों लगाऊँ जब यहाँ से नूडल्स मिलते हैं। उसमें डालना तो कुछ नहीं था, वैसे ही नूडल्स होते हैं, वैसे ही मसाला होता है, चेंज कुछ भी नहीं होता। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, वरना बाकी चीज़ें सेम टू सेम ही होती हैं। और ये फाइनली मेरी वेजिटेबल्स सारी कट हो चुकी है। अब हम अपने पास्ते की तरफ आएंगे। जो हमारे पास मसाले पड़े थे, ये सारे मसाले जो हैं ये मैक्रोनी और नूडल्स के ही हैं, इसके अलावा कोई कौरमे बिरयानी के मसाले नहीं है। एक बार अगर जितने भी मसाले होते हैं उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम जब भी मैक्रोनी चाउमीन वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें मसाले थोड़े थोड़े ही डालते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं उसको फिर अगले एक्सपेरिमेंट्स के लिए बचा के रख लेते हैं। अगर सारा डाल दो तो फिर आप वो खा नहीं सकते। तो हमने सबसे पहले पैन में ऑयल डाला, अपनी वेजेस डाली, इनको अच्छे से सोटे कर लिया। इसके बाद हमने सारे मसाले डाले हैं। इसमें दो कनोर नूडल के मसाले, एक चाउमीन का मसाला है और एक बीक पालक की मैक्रोनी का मसाला है। पास्ता मिक्स ही है सारे, तो इनका टेस्ट मिक्स होकर अच्छा खासा आ रहा था। जब वेजेस आपकी अच्छी तरह सोटे हो जाए, फिर हमने अपने मसाले डाले। अपने मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। जब आप ऐसी न्यू चीज़ें ट्राई करते हो और उसका टेस्ट अच्छा आ जाए, तो आपकी खुशी की इंतहार कुछ और होती है, आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। जैसे कि मैंने वो नूडल्स वाला चैलेंज किया था जिसका टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं था, पर फिर बड़ा दुख भी हुआ था, पर इसको खाने के बाद दिल खुश हो गया। जो इतनी मैंने वेजिटेबल्स काट काट के अपना हाथ थकाया, उसकी सारी मेहनत मुझे वसूल हो गई थी। इसके बाद हमने इसमें ऐड की अपनी सॉसेस, उसमें चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, टमाटो केचप डाला था। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। और बस अपना बॉयल्ड पास्ता मिक्स किया, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको मज़े लेके खाया। इससे ज़्यादा वॉइस ओवर में बोलने के लिए कुछ है नहीं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगेन मेरी विश पूरी कर दें, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए न्यू ईयर से पहले पहले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, वीडियोज़ के आइडियाज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस खाओ पियो मज़े करो। बाय बाय इंडिया, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।